हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी सॉल्विंग का तरीका। सो कैसे सॉल्व करेंगे? हम यहाँ पे एज अ प्रूफ में लिख रहे हैं, बिकॉज ये प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब से शुरुआत करेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलिए ठीक, सेम स्टेप। हमें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही चाहिए ना आर एच एस में, तो एल एच एस में जो ए माइनस बी होल क्यूब है उसके पास बाकी का पोर्शन यानी कि ये वाला पोर्शन सारा का सारा उठ के चला जाएगा, प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। देखा जाए तो ये एक टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, दोनों में ए माइनस बी ज़रूर मुझे कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लिया बाहर। यहाँ बचा मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी। आर एच एस में जो आइडेंटिटी है जो हमें चाहिए था, मेन मेन जो क्वेश्चन था, वो अवेलेबल है। अब आ गया ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करने की बारी। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। फाइनल स्टेप आ गया, अब हम कटिंग करेंगे यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी और प्लस थ्री ए बी कितना हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं आपको इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका ही बता सकता हूँ। जो अगर यहाँ पे आपको माइनस दिखे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपका फर्स्ट टर्म माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस था तो आपको यहाँ पे प्लस दिखा, ठीक। फिर आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस उसमें टू नहीं लगाना है। अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए बी कर दो, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस ए बी कर दो, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। ये याद रखने का तरीका है एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आपको चीज़ें पक्की भी हो जाएगी।